हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। आई एम योर मैथ्स टीचर दीपक शर्मा सर, और आज का ये टॉपिक है हमारा नंबर्स। इसका सेकंड पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, आइए एक बार थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये सारे लिस्ट हैं जो हमें इस टॉपिक्स में कवर करने हैं, और इनमें से हमने ये चार टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने ये समझा है कि नंबर 7 या उससे अधिक डिजिट्स अगर कोई नंबर है तो बेसिकली 7 डिजिट नंबर कहाँ से आया, या उससे अगर अधिक कोई नंबर है तो वो कैसे मतलब फाइंड हम लोग कर पाते हैं। फिर अगर कोई 7 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट का नंबर है तो उसके डिजिट्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये भी हमने सीखा। फिर उनको रीड कैसे करेंगे, मतलब उनको नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म भी हमने ये चार चीज़ों को पढ़ा है। एक बार आइए हम लोग इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको जो आगे का टॉपिक्स हैं उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड आई होप आपने देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इसलिए मैं क्विकली रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो जैसे पहले हम लोग सीखे नंबर विद 7 और मोर डिजिट्स। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है कोई, जैसे ये हो गया आपका 6 times 9, और अगर इसका हम लोग नेक्स्ट नंबर फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा +1 करेंगे हम लोग तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा, है ना। और जब हम लोग +1 किए थे तो हम लोग क्या मिला था, एक 7 डिजिट नंबर मिला था, एक 7 डिजिट नंबर मिला था, और इसको हम लोग क्या रीड किए थे, 1 lakh, है ना। और ये बेसिकली क्या था, हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, इसी तरह अगर हम लोग इसका बिगेस्ट सॉरी अगर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हम लोग लिखें तो उस टाइम क्या होगा वो सॉरी तो ग्रेटेस्ट अगर हम लोग 7 डिजिट नंबर लिखें तो हो जाएगा हमारा 7 times 9, और फिर इसका नेक्स्ट नंबर निकाले तो अभी मिलेगा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, जैसे अभी हम लोग को स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मिला था। इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और हम लोग को मोर एंड मोर नंबर ऑफ डिजिट्स के नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये समझे थे कि प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, है ना। तो जैसे यही आपका एक एग्जांपल ले रहा है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट ही नंबर है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो हमने वंस, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये सब तो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये टेंस थाउजेंड है, फिर उसके बाद लाख आ गया, 6 डिजिट तक यहाँ तक तो हम लोग को पता था, लाख के बाद क्या आ रहा था, 10 lakh, और फिर उसके बाद करोड़। अगर एक और डिजिट अगर यहाँ पे ले लें तो ये हो जाएगा 10 crore, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा प्लेस वैल्यू होता था। जैसे अगर 9 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, और करोड़ है ना, तो 9 crore लिख देंगे, या इसको न्यूमरल फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और देखिए 9 में कितने जीरो लगाएंगे डिपेंड करता है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, देखिए 3, 3, 6, 7 डिजिट्स हैं तो 7 0 लगाना है, है ना। आप याद भी रख सकते हैं कि करोड़ में 7 डिजिट होता है, लाख में 5 डिजिट्स होता है, 1000 में 3 डिजिट्स होता है, 10,000 में 4 डिजिट्स होगा, 10 lakh में 6 डिजिट होगा, 10 lakh में 6 डिजिट होगा, 10 crore में 8 डिजिट होगा। तो ये आप याद भी रख सकते हैं, और नहीं तो आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप देखिए उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, उतने ही जीरो आपको प्लेस करने होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग पिछले बार पढ़ चुके हैं। और नंबर नेम्स, फिर नंबर नेम कैसे लिखेंगे तो उसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4, 5, 1, 3, 7, 2, 3, 4। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते थे अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेसेस, है ना, पीरियड्स के अकॉर्डिंग या प्लेसेस के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते थे, और फिर हम लोग देख लेते थे कौन से पीरियड में, जैसे 4 कौन से पीरियड में है, तो करोड़ के पीरियड में है, तो इसको हम लोग लिख देते थे 4 crore। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 4 crore लिखेंगे, F O U R 4 crore,
अब ये 5-1 लाख पीरियड में है, तो 5-1 क्या होता है 51, 51 अब लाख प्लेस पीरियड में है तो लाख्स। फिर उसके बाद 37 क्या है, 37 तो 37 पढ़ेंगे, थर्टी सेवन थाउजेंड्स। और फिर ये बच गया 234, तो 234 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 234, 234। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का नंबर नहीं लिख रहे थे। और फिर एक एक्सपेंडेड फॉर्म था, तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके प्लेस वैल्यूज के बेस पर ही होता है। जैसे इसी को अगर हम लोग एक्सपेंड करें, इसी को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 4 लिखेंगे, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 4 करोड़ प्लेस पे है, तो करोड़ में मैंने बताया था 70 होते हैं, तो 70 लिख दीजिए। फाइव में कितने होते हैं, तो ये लाख 10 लाख प्लेस पे, और 10 लाख में मैंने बताया था 60 होते हैं। अगर डाउट है तो आप चेक कर लीजिए इसके बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 6 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 60। और इसी तरह आप बाकी सभी डिजिट्स का भी प्लेस वैल्यू लिखते जाएंगे तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। तो इतने सारी बातों को हम लोग फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे, और साथ ही कुछ उस पर क्वेश्चंस भी हम लोग बनाए थे। अब हम लोग जो आज का टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो बेसिकली ये तीन टॉपिक हम लोग इसमें कवर करना कोशिश करेंगे, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, और ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग गिवन डिजिट्स, ठीक है। देखते हैं, मे बी हमको आई डाउट कि ये हम लोग कवर कर पाएंगे नहीं, बट ये दो तो डेफिनेटली कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझ लेते हैं। सक्सेसर का मतलब ही होता है बाद वाला, ठीक है ना। अब यहां पे नंबर की बात हो रही है तो हम लोग सक्सेसर का मतलब नेक्स्ट नंबर, बाद वाला नंबर की बात करें, यानी नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर। जैसे कोई भी आप एक नंबर लीजिए, 7 डिजिट या 8 डिजिट, एक 7 डिजिट नंबर मैंने लिया, अब इसका आपको सक्सेसर बताना है, तो क्या क्या लिखेंगे आप, द सक्सेसर ऑफ इज इक्वल टू, तो बेसिकली इस नंबर में 1 ऐड कर देना है, ठीक है ना। अब 1 ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका है, इसके वंस प्लेस पे जो कोई डिजिट है ना उसी में आप 1 ऐड कर दीजिए, तो 4 में आप 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, अब बाकी जो डिजिट है उसको ऐसे ही लिख दीजिए। तो क्या कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा सक्सेसर। अगर डाउट हो, कभी कभी डाउट हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए कोई नंबर है 2143196 39, तो यहाँ पे आपको जो 9 है ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि 9 के बाद 10 होता है। अब अगर आप 10 लिखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ जाएंगे। जैसे अगर आप 10 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं आप लोग, 2143196 3 एंड 10, 10 में आप 10 लिख देते हैं, तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 9 डिजिट्स है, यहाँ पे 10 डिजिट्स हो गया, तो ये कम्प्लीटली गलत है, ठीक है ना। कभी किसी भी 9 डिजिट नंबर के बाद 10 डिजिट नंबर नहीं आता है, कब आएगा, जब वो ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर होगा तब, और ये ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर है नहीं, तो इसके बाद 10 डिजिट नंबर आएगा नहीं, और आएगा भी तो उसमें सभी 0 होंगे, तो ये गलत हो रहा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो इस कंडीशन में आप क्या करें, +1 कर लें, यानी आप क्या लिखेंगे इसमें, सक्सेसर ऑफ टू वन फोर थ्री वन नाइन
639 इज इक्वल टू, आप ये नंबर पहले लिख लें, और फिर प्लस वन कर लें। ठीक है, अब प्लस कर लिए तो देखिए आप, आपको क्लियर हो गया कि ये नंबर, अब ये 9 डिजिट नंबर है। देखिए अब वैसे आप देखिए तो 39 के बाद 40 होता है, तो ये अब कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये गलती है। तो बस यही एक छोटा बात का ध्यान रखना है, कभी कभी गलती हो जाती है आपसे, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, तो इन्हीं बातों को ध्यान रखेंगे, आपका कभी गलती नहीं आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रेडिसेसर समझ लेते हैं। तो सक्सेसर का उल्टा होता है प्रेडिसेसर, ठीक है। अभी आपने सक्सेसर में पढ़ा नेक्स्ट नंबर, तो प्रेडिसेसर का मतलब क्या होगा, है ना, पीछे वाला। प्रेडिसेसर का मतलब उसके पहले वाला, तो ऑब्वियसली नंबर की बात हो रही है तो हम लोग नंबर ही कहेंगे, है ना, प्रीवियस नंबर, प्री वी आई ओ यू एस, प्रीवियस नंबर, पिछला नंबर। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वन प्लस कर रहे थे ना। देखिए ये चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि सक्सेसर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी एड वन, ठीक है ना। कभी भी सक्सेसर फाइंड करना हो तो हम लोग उस नंबर में वन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे उल्टा, अगर यहाँ पे हम लोग प्रेडिसेसर फाइंड कर रहे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट वन। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये एक 8 डिजिट नंबर है, इसका प्रेडिसेसर निकालना है। तो अब ये चीज लिख लीजिएगा थोड़ा आप लोग, है ना, आप लोग लिखते नहीं है, डायरेक्ट अगर करेंगे तो समझ में नहीं आएगी आपने किया क्या है। तो अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रेडिसेसर ऑफ 1 4 2 8 3 7 1 5। तो अब आप समझ गए कि हम लोग प्रेडिसेसर वाला नंबर लिखें। तो जैसे वहां पे हम लोग वंस प्लेस में एक जोड़ देते थे, तो यहाँ पे वंस प्लेस में एक माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 4 2 8 3 7 1 4, यही आंसर हो जाएगा। और फिर वहां पे भी जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, माइनस वन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपका आंसर गलत ना आए। तो काफी है सक्सेसर प्रेडिसेसर, बहुत ही सिंपल टॉपिक था, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो अब हम लोग आगे ही बढ़ेंगे, है ना, आगे का टॉपिक देखते हैं, स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। स्किप का मतलब होता है एक तरह से जंप करना, है ना। जब आप चलते हैं तो क्या, नॉर्मल चलते हैं, आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करते, लेकिन जब आप जंप करते हैं तो क्या करते हैं, आप एक या दो स्टेप मिस करके जंप करते हैं। तो बेसिकली स्किप का मतलब जंप करना होता है। तो उसी तरह जब हम नंबर लिखेंगे तो अब नंबर लिखते समय जंप नहीं करना है, कहने का मतलब जब नंबर लिख रहे हैं तो उसमें कुछ नंबर्स को छोड़ के लिखना है। जैसे अगर आप नॉर्मल काउंटिंग करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, 1 से लिख रहे हैं या कहीं किसी भी शुरू कीजिए, 11 से ही अगर आप काउंटिंग शुरू करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, 11 12 13 14 15, है ना, कोई भी आप मिस नहीं करेंगे, इसी तरह आप आगे लिखते जाएंगे। लेकिन जब आप स्किप काउंटिंग करेंगे, मान लीजिए 11 से शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हर बार हम लोग 1 से ही करें, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। 11 से ही करते तो 11 लिख दिए और फिर 14 लिख दिए, क्या किया हमने, 12 और 13 को छोड़ दिया, मतलब दो नंबर को छोड़ दिए हैं। तो अब इसके बाद भी फिर दो नंबर को छोड़ेंगे तो 15 और 16 को छोड़ दिए तो 17 हो जाएगा, फिर और दो नंबर छोड़ दिए तो 18 19 को छोड़ दिए तो 20 हो गया, और फिर इसी तरह आप छोड़कर आगे लिख रहे हैं। तो ये, इसको हम लोग स्किप काउंटिंग कहेंगे और ये कहेंगे नॉर्मल काउंटिंग। और स्किप काउंटिंग में हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग दो ही को छोड़ेंगे, 10 भी छोड़ सकते हैं, 20 भी छोड़ सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, आपने 11 से शुरू किया और 10 आपने स्किप कर दिया, 10 नंबर्स को बाद का नंबर लिखा, तो आपने क्या लिखेंगे, 21, और फिर 10 स्किप करेंगे तो 31, इसी तरह आप 41 लिखते जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या कहला रहा है, स्किप काउंटिंग। स्किप में हम लोग क्या कर रहे हैं, लीविंग सम नंबर्स, है ना, कुछ नंबर्स को हम लोग छोड़ते हुए काउंट कर रहे हैं, लीविंग सम नंबर्स
while counting. अब एक बात ध्यान देना, ये जो सम नंबर से फिक्स होगा, अगर जैसे यहाँ पे जब एक बार हम लोग 10 को स्किप किए हैं तो हर बार 10 ही स्किप करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर्स को स्किप किए हैं तो हर बार 2 ही स्किप करेंगे, है ना। मतलब 3 नंबर को स्किप किए हैं, 11 में 3 प्लस किए तो 14 आ गया, 14 में 3 प्लस किए तो ये बात ध्यान रखना है कि जब एक कोई पर्टिकुलर स्किप काउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो नंबर एक बार हम स्किप कर रहे हैं उसी को हर बार करना है, अगर दूसरा नंबर स्किप कर रहे हैं तो वो दूसरे स्किप काउंटिंग में करेंगे, है ना। एक ही मिनट, जैसे यहाँ पे हमने 3 को स्किप किया, यहाँ पे 10 स्किप किया, तो यही है बेसिकली स्किप काउंटिंग। और देखते हैं इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अब कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपैरिजन ऑफ नंबर जब भी हम करते हैं, है ना, तो हमें दो बातों का ध्यान देना है, ठीक है। और वो दो बातें कौन सी हैं उसी को समझिए। पहला हम लोग चेक करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, कि नंबर ऑफ डिजिट्स दो जो जो जिन नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या किसी में ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं या किसी में कम है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। एग्जांपल समझते हैं, और एक ले लेते हैं, ये दो नंबर हो गया। अब आप देखकर क्विकली नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, वैसे आप देखते हैं यहां पे 1 से शुरू हो रहा है, यहां पे 9 से शुरू हो रहा है, तो हो सकता है आप ये कहें कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, लेकिन आपको सबसे पहले ऐसे सीधे सीधे नहीं कह देना, पहले आपको चेक करना है नंबर ऑफ डिजिट। जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमको नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करने हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसमें, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 ही नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 8 डिजिट्स हो गए, यहाँ पे 7 डिजिट्स हो गए। तो जिस नंबर में कम डिजिट्स होते हैं वो छोटा होता है, और जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होते हैं वो बड़ा होता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। यानी इस सिचुएशन में ये जो नंबर है वो बड़ा हो गया, अगर आप क्विकली 1 देखकर बता देते हैं तो आप गलत बताते हैं, ठीक है ना। तो ये कब होगा, जब डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे नंबर में, तब अगर आप एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तब आप क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए अब ये देखिए, ये दोनों ही नंबर में 7 डिजिट्स हैं, है ना, चेक कर लेते हैं एक बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 डिजिट्स हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यहां भी 7 डिजिट्स हैं। तो यहां फर्स्ट जो सिचुएशन है वो हम लोग तो देख रहे हैं कि इक्वल हो गया, तो क्या सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करके हम तो इक्वल नहीं बता सकते, तो हमको सेकेंड जो है ऑप्शन वो यूज करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्चुअली में कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयर डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट, डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड से कंपेयर करना है ना, मतलब इधर से कंपेयर करना शुरू करना है ना। अक्सर हम लोग जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग राइट साइड से हम लोग मैच करते हैं, लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को लेफ्ट साइड से कंपेयर करना है। कब कंपेयर करना है, जब नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों ही नंबर में, या जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनका नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तब करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 में पहला जो है 1 है, यहाँ भी पहले 1 है, इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग को सेकेंड वाला डिजिट चेक करना है, जो लेफ्ट से करे उसके बाद का सेकेंड वाला, तो यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो अब ये डिफरेंट है, तो अब इसमें देखिए 5 छोटा है, तो छोटा है मीन्स जो छोटा होगा वो छोटा, तो इसका नंबर हमको पहले छोटा मिल गया, तो ये लेस देन का मार्क दे देना है। और आप आई होप आपको ये जो साइन है वो आपको पता होगा, इसको हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं, और ये इक्वल्स टू होता है, और यही 3 सिंबल यूज होते हैं, दिस इज ग्रेटर देन, एंड
एंड दिस इज लेस देन एंड दिस इज इक्वल टू। तो ये आपको ऐसे ही करना है कंपेयर करके, ठीक है ना। कोई भी 7 डिजिट नंबर हो, 8 डिजिट नंबर हो, 10 डिजिट नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप ऐसे कंपेयर करके आसानी से आप बता सकते हैं कौन नंबर छोटा है और कौन बड़ा है। चलिए अब इस पर थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है ना। बेसिकली जब भी कोई कंपैरिजन के लिए हम लोग क्वेश्चन जब आता है तो ये सिंबल लिखना होता है उसमें बॉक्स में, ठीक है। तो एक नंबर हम देते हैं, एक ये हो गया, ठीक है। ये दो ही पर हम लोग समझते हैं जो हमने सीखा है, अभी उसको थोड़ा रिपीट करते हैं कि कैसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट चेक करना, अभी यहाँ पे आपको बताया गया था। सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ डिजिट चेक करने हैं, ठीक है, कि किसमें कितने डिजिट्स हैं और किसमें मतलब कितने डिजिट्स हैं, ये हमें सबसे पहले पता करना है। तो वही करते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट डिजिट्स हैं यहाँ पे, है ना, 8 डिजिट्स हैं इसमें, लिख लीजिए। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें 7 ही डिजिट्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ही अलग हो गया तब तो फिर हम लोग क्विकली बता ही देंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए ज़्यादा डिजिट्स हैं तो ये बड़ा है, कम है तो ये बड़ा है, कम है तो ये छोटा है, ज़्यादा है तो ये बड़ा है, तो ये नंबर हमारा ग्रेटर देन हो गया। अब अगर नंबर ऑफ डिजिट बराबर नहीं हो तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट डिजिट्स हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोनों में 8 डिजिट्स हैं। तो अब यहां पे हम लोग सिर्फ पहला जो रूल है उसके बेस पे तो बता नहीं सकते क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है। तब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से उसको कंपेयर करना शुरू करें। तो यहाँ पे देखिए पहला 5 है, यहाँ भी पहला 5 है, दूसरा 4 है, यहाँ भी 4 है, तीसरा 2 है, यहाँ भी 2 है। मतलब देखिए जब तक हमको सेम डिजिट मिल रहा है तो हम कंपेयर करते रहेंगे। यहाँ पे 1 मिला, यहाँ भी देखिए 1 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। अब चेंज हुआ, यहाँ पे जो 5th डिजिट है लेफ्ट से वो हमारा डिफरेंट है। तो अब यहीं पर आप देख लीजिए, ये छोटा है 6, 9 बड़ा है, इसका मतलब ये होल नंबर जो होगा वो इससे छोटा होगा, तो हम लोग यहाँ पे लेस देन का साइन दे देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन नंबर फाइंड कर पा रहे हैं, ओके। और अगर 3 या 4 नंबर हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, अरेंज वाला अरेंज कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। अरेंज द गिवन नंबर्स
इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कुछ नंबर्स देते हैं पहले, 20153219, 21543192, 21592। ठीक है, ये तीन ही नंबर्स ले रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल। अब तीन नंबर्स को कंपेयर करना है, अभी तो हम लोग दो कर रहे थे, अब तीन कर रहे हैं, तो भी हमें कोई घबराना नहीं है। हमें सबसे पहला जो नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करने हैं तीनों नंबर्स में, और उसको मेंशन करिए। तो यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट्स हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ भी 8 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट्स हैं। अब इतना तो पता चल गया कि ये जो नंबर है हमारा सबसे छोटा है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे ग्रेटर नंबर को पहले लिखते हैं ना, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। तो हमको सबसे बड़ा नंबर चूज करना है, तो देखिए ये तो पता चल रहा है कि सबसे छोटा है, तो इसको पहले अभी हम लोग इस पे कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा है, बचा ये दोनों। तो ये दोनों ही 8 डिजिट्स नंबर हैं, तो इनको अब हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है हमारा, कंपेयर करके सभी डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहला तो सेम है, लेकिन दूसरा ही में डिफरेंट है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब ये जो नंबर मिला हमको बड़ा मिला, इन दोनों में ये बड़ा है, और ये तो सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा यही नंबर हो गया, तो इसको ही हम लोग अब पहले लिखेंगे। तो क्या लिख दें हम, इसको पहले लिखिए, 21543192। अब डिसेंडिंग ऑर्डर जब होता है तो हम लोग ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। अब इन दोनों में ये बड़ा था तो ये छोटा है, और सबसे छोटा तो ये है, तो यानी सेकंड नंबर में ही आएगा। अगर इन दोनों की बात करें तो ये बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा है, तो ये बड़ा हो गया उससे, तो इसको अब लिख देंगे, 20153219 ग्रेटर देन 9546219। तो बेसिकली तीन नंबर्स को भी आपने कंपेयर करना सीख लिया। अगर एक और नंबर होता तो फिर उसको भी हम लोग लास्ट में ऐसे ही कंपेयर करते जाते, ठीक है ना। पहले सबसे छोटा ढूंढेंगे, सबसे बड़ा ढूंढिए, ढूंढ लिए उसको लिख दिए, फिर जो नंबर बचे उनमें फिर सबसे बड़ा ढूंढिए, इस तरह करते करते आप अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप इतना काफ़ी है। अगर आप जो हम लोग यहाँ पे सीखे हैं आज, और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोग को, ये वाला टॉपिक इसको आप बहुत अच्छे सीखेंगे, क्योंकि अगर आप कंपेयर नहीं करना सीखें तो फिर ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगा, आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। आंसर्स आपको मिलेगा भी तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो ये कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये तीन टॉपिक, सॉरी ये हम लोग नहीं कर पाए, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स को हम लोग इसमें नहीं कवर कर पाए हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, यानी थर्ड पार्ट में ये तीनों टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। ये जो टॉपिक है थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी था, ये तीन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है कंप्लीट हो जाता है। आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।